अब हर रोज सुबह की चाय के साथ। देखिए सुनिए मेरे साथ, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य, आपके लिए लाया हूं दुनिया का खबरनामा। पीएम मोदी ने अपने पहले विदेश दौरे के लिए मालदीव को ही क्यों चुना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे कार्यकाल में अपने पहले द्विपक्षीय दौरे पर शनिवार को पड़ोसी देश मालदीव पहुंच गए। दोपहर करीब 3:30 बजे उनका विमान माले एयरपोर्ट पर उतरा। इससे पहले पीएम मोदी नवंबर में राष्ट्रपति इब्राहिम सोलू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मालदीव गए थे। हालांकि यह पूर्ण रूप से द्विपक्षीय यात्रा नहीं थी। अपने पहले कार्यकाल में मोदी ने पहले विदेश यात्रा के लिए भूटान को चुना था, इस बार वह मालदीव गए हैं। इसे सरकार की पड़ोसी पहले की नीति को आगे बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा है। भारत ने पिछले कई वर्षों से मालदीव में भारी निवेश कर रखा है। भारत वहां सैन्य सहायता, प्रशिक्षण और कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद कर रहा है। 1988 में भारत ने ही ऑपरेशन कैक्टस के जरिए माले में तख्तापलट की साजिश को विफल कर दिया था। ऑपरेशन के दौरान भारतीय सैनिक प्लेन से वहां पहुंचे थे और मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति गयूम को रेस्क्यू किया था। आपको बता दें कि मालदीव भारतीय सीमा से महज 1200 किलोमीटर की दूरी पर है। करीब 22,000 भारतीयों का घर होने के साथ ही मालदीव का भारत के लिए रणनीतिक महत्व भी है। हालांकि देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने 2013 में सत्ता संभालने के बाद से चीन के करीब जाना शुरू कर दिया था। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों के लिए चीन में लाखों डॉलर का कर्ज लिया। नतीजा यह हुआ कि देश गहरे कर्ज संकट में फंसता चला गया। मालदीव के चीन की तरफ झुकाव रखने के कारण भारत की चिंता बढ़ गई थी। मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम सोली की मालदीवन डेमोक्रेटिक पार्टी ने पिछले साल हुए चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की। नई सरकार के एंटी चाइना रुख ने भारत को राहत देने का काम किया। इसके बाद से दोनों देशों के संबंध एक बार फिर से मजबूत हो रहे हैं। सोली ने पद संभालने के बाद पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना। दिसंबर में भारत ने करीब 3 अरब डॉलर के चीनी कर्ज में फंसे मालदीव को 1.4 अरब डॉलर की वित्तीय मदद की घोषणा की। बताया जा रहा है कि भारत और भी वित्तीय मदद की घोषणा कर सकता है। द्वीपीय देश ने भारत से अपने नेशनल क्रिकेट टीम को तैयार करने में मदद का अनुरोध किया है, जिस पर भारत ने काम करना भी शुरू कर दिया है। इस दिशा में भारत वहां एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने पर विचार कर रहा है। विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया कि भारत मालदीव में इंटर आइलैंड कनेक्टिविटी को सुधारना चाहता है। उन्होंने कहा, एक प्रोजेक्ट जिस पर हमारा प्रमुख फोकस है और इसका सामुदायिक विकास से सीधा संबंध है, यह स्पीड बोट उपलब्ध कराने से जुड़ा है, जिससे खास तौर से छात्रों को एक द्वीप से दूसरे में आने जाने में आसानी हो। अमरीकी विशेषज्ञों ने की विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ, बताया बेहतरीन राजनयिकों में से एक। अमरीका के कुछ पूर्व राजनयिकों और विदेश मामलों के विशेषज्ञों ने भारत के नए विदेश मंत्री के रूप में एस जयशंकर की नियुक्ति की प्रशंसा करते हुए विश्वास जताया है कि उनके कार्यकाल में अमरीका भारत रणनीतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। अपनी कुशल कूटनीतिक गंभीर वार्ता तकनीकों और रणनीतिक दृष्टिकोण के लिए जाने जाने वाले 64 वर्षीय जयशंकर 2013 से 2015 तक अमेरिका में भारत के राजदूत थे। अमेरिका ने पाक को लगाई लताड़, बोला शांति की जिम्मेदारी इस्लामाबाद पर। अमेरिका ने पाकिस्तान की सरकार को साफ शब्दों में कहा है कि आतंकी समूहों को अलग थलग कर दक्षिण एशिया में शांति लाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। अमेरिका की तरफ से यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने के बाद इमरान खान सरकार की तरफ से भेजे गए नए शांति संदेशों के बीच आया है। बता दें कि इमरान ने भारत में नई सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री मोदी को लिखी दूसरी चिट्ठी में कहा है कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे समेत सभी मतभेदों को सुलझाने के लिए नई दिल्ली के साथ बात करना चाहता है। इमरान ने कहा कि दोनों देशों की जनता को गरीबी से उबारने के लिए वार्ता ही एकमात्र समाधान है और क्षेत्र के विकास के लिए मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है। हालांकि भारत ने बातचीत के पाकिस्तान के प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा है कि आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकती और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 13-14 जून को संघाई सहयोग संगठन से इतर दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच किसी द्विपक्षीय मुलाकात की योजना नहीं है। इन सब के बीच व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका वास्तव में चाहता है कि पाकिस्तान में गिरफ्तारियां हों और उन पर मुकदमे चले तथा इन समूहों को आजाद घूमने, हथियार खरीदने, भारत में प्रवेश करने और हमले करने नहीं दिए जाएं। नाम जाहिर नहीं होने की शर्त पर अधिकारी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ऐसे सतत कदम देखना चाहता है जिनसे आतंकियों की गतिविधियां बंद हो जाएं। भारत पाक के बीच तनाव पर अमेरिका के आकलन से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा,
जब तक इन समूहों को अलग थलग नहीं किया जाता तब तक भारत और पाकिस्तान के लिए संततः शांति हासिल करना बहुत कठिन है, इसलिए इन समूहों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। मालदीव के सर्वोच्च सम्मान पर पीएम नरेंद्र मोदी बोले, भारत के लिए गौरव की बात। पड़ोसी देश मालदीव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शनिवार को देश के सबसे बड़े सम्मान निशान इज्जुद्दीन से सम्मानित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने मालदीव की पिछली सरकार के चीन के करीब जाने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि राष्ट्रपति इब्राहिम सोली के पद ग्रहण करने के बाद द्विपक्षीय सहयोग की गति और दिशा में मौलिक बदलाव आया है। दरअसल मालदीव की पिछली सरकार ने चीन के प्रभाव में आकर भारत विरोधी रुख अपना लिया था। हालांकि शनिवार को जब पीएम मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति गले मिले तो दोनों देशों के रिश्तों में गर्मजोशी साफ दिखी।